खाना तो खा करके आया था, क्या खाएंगे आप? हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में हम दिखाने वाले हैं दोस्तों देवरिया का मार्केट। जी हाँ दोस्तों, देवरिया पहले से कितना बदल गया है। आज हमारे साथ हैं कृष्णा भैया, कैसे हैं भैया? तो ये हमारे साथ सहयोग देंगे, ये ड्राइविंग करेंगे और हम आपको ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे। तो कहाँ कहाँ हम लोग दिखाएंगे भैया? मालविया रोड, देवरिया में कई सारे जगह का दिखाने की कोशिश करेंगे। बाइक राइड, किला रोड, रेलवे स्टेशन, सिविल लाइन रोड, जी जी, और जैसे बहुत सारा रोड है, जी जी, और मेडिकल कॉलेज, सारा कुछ कवर करेंगे बंटी भैया। तो भैया हैं, ड्राइविंग करेंगे, इस ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, बाइक राइड करके हम लोग दिखाने वाले हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखा, यहाँ पे हम लोग तेल भरवा रहे हैं। क्या रेट है कृष्णा भैया, कितने रुपये लीटर है? कितना? 96 रुपया लीटर है दोस्तों। और ये है बिकमपुर रोड का सीन। तो अभी ये है दोस्तों भिकमपुर रोड देवरिया, जो कि देख सकते हैं पहले से कितना बदल गया है। और हमारे साथ हैं कृष्णा भैया जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं। और दोस्तों, धूप टेम्परेचर के बारे में बात करें तो काफ़ी तेज़ धूप है और देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, आपको जितना हो सकेगा इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार जाने के लिए बस खोजते हैं देवरिया से, तो यहाँ से मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे दो बस है। टाइमिंग भी इसका दोस्तों मैं बता दूँ, दोपहर 12 बजे आई थिंक 1 बजे से खुलती है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों रेलवे ढाले के पास। नाला तो खुला है दोस्तों, देख सकते हैं ये चला जाएगा आपका। ये मालविया रोड, सुभाष चौक और कहाँ कहाँ बस स्टैंड, हर जगह चला जाएगा। मेडिकल कॉलेज, जब भी आप कसिया से आते हैं तो ये रोड सीधे पकड़ के जा सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन का आसपास का नज़ारा, यानी रेलवे ढाले के आसपास का नज़ारा। यहाँ से ई रिक्शा 10 रुपये लेते हैं सब, आपको बस स्टैंड तक पहुँचा देंगे सब रेलवे ढाले से। भाई बहुत ही ज़्यादा धूप है यहाँ, देखिए और इधर फल फ्रूट की दुकानें भी है, अभी तो नहीं लगा है। शाम को बहुत ही अच्छा मार्केट इधर लगता है फल का, और इधर भी काफ़ी भीड़ है भाई, देख सकते हैं। सुबह का दृश्य है, 10 बज रहा है। तो अभी हम लोग हैं दोस्तों मोतीलाल रोड पे, और यहाँ पे देखिए फल फ्रूट की दुकानें, काफ़ी ताज़े ताज़े यहाँ फल मिलता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तब कृष्णा भैया कुछ खाएँगे? खाना तो खा करके आए थे, क्या खाएँगे आप भाई साहब? मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ था, और देख सकते हैं आप लोग यह सब्जी मंडी देवरिया का, छोटी सब्जी मंडी, यह है छोटी सब्जी मंडी, एक बड़ी सब्जी मंडी है, एक छोटी सब्जी मंडी। अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों वाली चौराहे के पास। तो यहाँ पे आपको चश्मा, टोपी, पर्स, झाड़ू टिकट मिल जाएगा। और आगे है फूल मंडी मार्केट और मोबाइल शॉप की दुकान है। सीधे चलिए, बस स्टैंड चल रहा है ना, उधर है फूल मार्केट। लगन का सीजन चल रहा है दोस्तों, जब भी आप लोग शादी विवाह पड़ता है आपके घर में तो यहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं, बैंड बाजा और फूल माला खरीद सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग गाड़ी सजावट के लिए। इधर के साइड में आपका मोबाइल का दुकान सबसे ज़्यादा इसी रोड में मिलेगा दोस्तों। ये न्यू कॉलोनी की तरफ चला जाएगा रोड। अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों मेडिकल कॉलेज के पास, जलकल रोड मेडिकल कॉलेज। और ये हमारा कॉलेज है जहाँ से हमने पढ़ाई किया है, लेकिन मैं इसके लिए स्पेशल में वीडियो बनाऊँगा कभी। बाकी इस कॉलेज से काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। शायद इस कॉलेज का देन है कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं इस कॉलेज में आता था पढ़ने तो इसी कॉलेज से मैं जाता था घूमने, मतलब छुट्टी होने के बाद। और देख सकते हैं दोस्तों यह है सामने मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर एक बहुत ही भारी गेट बन रहा है, अभी गेट कम्प्लीट नहीं हुआ है, देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज का गेट है। महर्षि देवरावा बाबा राजकीय चिकित्सालय,
अभी हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों सिविल लाइन रोड पे, गोरखपुर रोड सिविल लाइन रोड। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, वहाँ से सीधे राघव नगर की तरफ चला जाएगा। और ये है सिविल लाइन रोड, ये है दोस्तों कचहरी कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों बस स्टैंड के पास। तो चलिए, ये था हम लोग का सफ़र जहां हमको आना था, आगे भी अभी जारी ही रहेगा। तो दोस्तों बाइक राइड करने के बाद से हम लोग आ चुके हैं दोस्तों भट्टवलिया चौराहे के काफ़ी नज़दीक। आगे है भट्टवलिया और उसके बगल में है दोस्तों स्टेडियम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रासन। और कैसा रहा सफ़र भैया? बहुत ही मस्त रहा। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा था, सुबह का सीन था इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। मौसम है, यानी मौसम तो ठंडा है, हाँ लोग काफ़ी निकल रहे हैं। जी जी, तगड़ा धूप हो रहा था तो काफ़ी कम लोग। जी जी जी। और इसके बगल में ही दोस्तों बस स्टैंड है, बस स्टैंड होकर के ही हम लोग आए हैं क्योंकि अभी हम लोग को निकलना है कहीं और। बहुत शानदार लॉन में बना हुआ है। ये हम लोग दोस्तों चल रहे हैं स्टेडियम के तरफ क्योंकि सोचे कि थोड़ा इधर का भी हाल देख लेते हैं कैसा है माहौल। ये है दोस्तों देवरिया का निरीक्षण भवन और ये जो सामने देख रहे हैं ये है दोस्तों स्टेडियम। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम के पास। हाँ यही तो है स्टेडियम। हाँ भैया यहीं से चलना है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग दोस्तों स्टेडियम और यहाँ पे हैं कृष्णा भैया। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए आपको घुमाते हैं स्टेडियम देवरिया का, यह है एंट्री गेट। दोस्तों रविंदर किशोर साई स्पोर्ट स्टेडियम, यहाँ का मैं कई वीडियो बनाया हूँ और अभी पेंट हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पे देख सकते हैं दोस्तों यह है स्टेडियम का सीन, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना गेम का। अभी सुबह सुबह का सीन है तो उतना बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी इधर देख। दोस्तों यह है बस स्टैंड देवरिया का। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों रामलीला मैदान रोड पे और ये देख सकते हैं दोस्तों रामलीला मैदान का मार्केट का सीन। इधर देखिए लेडीज आइटम, सूट सलवार मैक्सी और का हो ब्लाउज पेटीकोट जी पैंट देख सकते हैं आप लोग। रामलीला मैदान हनुमान मंदिर, रामलीला मैदान हनुमान मंदिर रोड देवरिया। चलिए चलिए चलिए, हनुमान मंदिर है राघव नगर, राघव नगर है, आगे से कट जाएंगे तो राघव नगर में चला जाएगा। ये वही है, राघव नगर भी बोल सकते हैं, हनुमान मंदिर रोड भी। अच्छा अच्छा, आज है मंगलवार। मंगलवार? हाँ भैया। Thank you.